all time in La La Land. Soon as you know him, this is Marjan. Fabulous. Wow. It's a phenomenal performance because in this song, jitne bhi variations the, like you saw, Sonu ne khud kiye hai. Would you believe that? Yes. Big round of applause for Sonu Nigam. Sonu, first of all, let me congratulate you. I think you're one of the most amazing talents this country has ever produced. Thank you, sir. You are your finest talent. Thank you. That coming from you. Thank you. Thank you so much, Sonu. Thank you so much. Wow. Aur ab, the ultimate jung. Finale ki jung ka dusra aur nirnayak round. Jodiyon ke liye maro ya maro ki ladai. Ab aakhri round karega faisla ki kisko milega hasi ka sabse bada khitab. Aur is round mein hasi ke saath nachna nachana hoga. Free. ग्रैंड फिनाले का दूसरा राउंड है म्यूजिकल और इसे जीतने के लिए कपिल सिर्फ म्यूजिक नहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान ही ले आए हैं और उसके पास ग्राहक आई हैं मुक्ति जो म्यूजिक सीखती हैं और म्यूजिक सीखने के लिए हारमोनियम लेने आई हैं कपिल के पास अब उसे हारमोनियम मिलता है या सर का दर्द चलिए देखते हैं प्लीज वेलकम आवर फाइनलिस्ट कपिल एंड मुक्ति चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या ओए सोनू साहब सर क्या हाल है सोनू जी कौन से वाले सोनू जी सोनू निगम सर जी मेरे को पहचाना नहीं 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 पहचाना मैंने आपको मैं टिल्लू म्यूजिक डायरेक्टर टिल्लू आपने मेरे लिए चार गाने गाए थे याद है नहीं चार इतने अच्छे गाए थे दो तो मैंने यूज भी कर लिए थे अब बाकी के दो मैंने कुमार शानू को भेज दिए सेकंड हैंड उसका एक्चुअली काफी दिनों से गाना नहीं कोई हिट हो रहा था मैंने कहा चलो तू ले ले वैसे सोनू जी एक बात बताओ मतलब सिंगिंग वगैरह कर रही है फुल टाइम कोई जॉब भी शुरू किया है नहीं नहीं मतलब मुझे अपने यहाँ पे रख लो ना अर्चना जी उनसे पूछना जरूर जब आपकी बात हो मेरे पास नंबर नहीं उनका और मेरा देना भी मत उनको उनसे पूछना मिस्टर इंडिया वाली घड़ी किनको दे दी उन्होंने बाद में मेरे को शक है राहुल राय को दी क्योंकि वही गायब हुआ बाद में नजर ही नहीं आया मेरे को अनिल कपूर साहब से एक शिकायत है हाँ. मेरे को अभी भी किसी ने बाहर बताया कि नो प्रॉब्लम का म्यूजिक इन्होंने मेरे से करवाया नहीं कई बार होता है पैसे की प्रॉब्लम होती है बजट की कोई बात नहीं मेरा क्या है मैंने तो अपनी म्यूजिक की दुकान खोली थी मेरे ग्राहक आ जाएं बस म्यूजिक की दुकान तो मेरी खुल गई है जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का है तेरे इश्क का जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का है अच्छा डांस करती हैं आप जी थैंक यू जी नहीं थैंक यू की कोई बात नहीं एक चाय का कप पिला दो छोटा पार्ले जी बिस्किट खिला दो जी मैं यहाँ पे चाय पिलाने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे हारमोनियम खरीदने आई हारमोनियम लेने आई हूँ हाँ जी लेकिन मेरी तो म्यूजिक की दुकान है हाँ? तो केमिस्ट से पता करना पड़ेगा आपको पर्ची लेके जाना बिना पर्ची के नहीं देगा वो जी केमिस्ट की दुकान पे हारमोनियम जी क्या बोल रहे हो तो म्यूजिक की दुकान पे ही मिलता है ना अच्छा बाजा हाँ, पहले एक्चुअली क्या नया नया आया ना मेरे दिमाग में नहीं रहता तो आप हारमोनियम लेने आई हैं हाँ जी तो पहले नहीं बता सकती थी टाइम वेस्ट कर रही है तो मेरे को लगा मेरे साथ फ्रेंडशिप करने आ गई है क्या ना आजकल लड़का सुंदर हो करोड़पति हो लड़कियां फ्रेंडशिप करने आ जाती है जी आप करोड़पति हैं आपने मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ली नहीं तो फिर मैं करोड़पति कैसे हो गया आप ये सब बातें छोड़िए मुझे एक अच्छा सा हारमोनियम दिखा दीजिए अच्छा सा हारमोनियम क्या अटैच बाथरूम हारमोनियम दे दूं तू तो डांसर है तूने हारमोनियम क्या करना है जी मैं सिंगर भी हूँ इतने लोगों के सामने झूठ बोल रही है तू झूठ नहीं अभी सोनू निगम कह रहा था मैं सिंगर हूँ अभी तू कह रही तू सिंगर किसकी सुनू उसकी क्या तेरी ये क्या बात हुई वो भी सिंगर हो सकते हैं मैं भी सिंगर हो सकती हूँ आप हारमोनियम तो दिखाओ हारमोनियम मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा वाला हारमोनियम दिखाता हूँ ये नया मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हारमोनियम आया ये अच्छा हाँ। ऐसी क्या खास बात है बिजली ना भी हो चल जाता है पुलिस आ जाए तब भी चल जाता है इसके फायदे बड़े हैं आप ये देखिए ये वाला खाना खोलेंगी ना आप हाँ इसमें आपका मेकअप का सामान आ जाएगा इधर वाला खाना खोलेंगी इसमें कोका कोला के कैन ठंडे कर सकती हैं आप इसको पूरा खोल लेंगी छोटे बच्चे का बेड बन जाता है थोड़ा सा सर्फ डाल के छोटे छोटे कपड़े धो सकती हैं आप
लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या? बचता नहीं है। ये बचता नहीं है मुंह से आपको पापी कर। देखिए सुर तो आदमी के अंदर होते हैं, क्यों सोनू जी? हाँ। ये तो जरिया होता है जी, लेकिन मैं गाऊंगी कैसे, रियाज कैसे करूंगी फिर? रियाज आप तबले से कर लीजिए। अरे तबले पे कैसे रियाज होता है? ओए तेरा दिमाग खराब है, ये कोई मामूली तबला नहीं है। अच्छा? जाकिर हुसैन साहब का तबला है ये। उनका तबला यहाँ कैसे आया? खुद नहीं आया, छोटा सा तबला ट्रैफिक में कैसे आएगा, खुद छोड़ के गए। जब से एक्चुअली उन्होंने खुन्नस में छोड़ के गए हैं, जब से सुरिंदर तबला बजाने में मशहूर हो गया ना, उन्होंने खुन्नस में तबला बजाना ही छोड़ दिया। उन्होंने बांग्लादेश की सिटीजनशिप ले ली है। सोनू भाजी, ये भाजी ने तबला इतना बजा दिया, चुटकुलों पे इतना बजा दिया, गाने पे बजता ही नहीं इससे अब। कल जगजीत सिंह के साथ तबला बजा रहा था, कह रहा था सर जी गजल वजल तो सारे गा लेते, लाफ्टर आया नहीं गजल में। तुम ये सब टाइम पास बंद करो, मेरा आज ग्रैंड फिनाले है और मेरे को एक पैरोडी गानी है। मेरा पार्टनर तो आ नहीं रहा है, मुझे अकेले गाना पड़ेगा। तो तू पैरोडी गाएगी अकेली जाके? हाँ जी। तो इतनी मेहनत क्यों करनी, सीधा हार ही जा। कैसे गाएगी, अभी भी सीख के कैसे गा लेगी? तो मेरी बात सुन, तेरा पार्टनर नहीं आया, मेरे सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, मेरे को ले जा। जी आप गा सकते हैं? तेरा दिमाग खराब है, मेरा मेन काम ही गाने का है। ये तो मैंने ऐसे ही घर का खर्चा चलाने के लिए दुकान खोली हुई है। अच्छा, लेकिन ये ग्रैंड फिनाले है, आपको किसी ने पहचान लिया तो? अबे मोए पहचानेंगे, इतने रश में कौन पहचानता, इतने हफ्तों से हमने दलेर मेहंदी को सुरिंदर बना के बिठाया हुआ, किसी ने पहचाना? वेरी गुड, चलो 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 ग्रैंड फिनाले में चलते हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, इधर से आ, इधर से, रास्ता बंद है, आ जाओ आ जाओ। अरे आ गया आ गया, क्या ग्रैंड फिनाले आ गया हमारा, इतनी ऑडियंस। ये क्या कर रहा है तू, डर क्यों रहा है? नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं क्यों डरूंगा? तू मुझे हराना मत। ओए मैं आज तक कभी नहीं हारा हूँ। अच्छा? मैं तो हर दिवाली पे 1300-1400 रुपए जुए में तो ऐसे ही जीत जाता हूँ। अब मैं कभी नहीं हार सकता, मैंने जीतने की तैयारी करी है। सुनाओ सुनाओ। ओ जीत की लत मोहे ऐसी लागी के कर ली मैंने तैयारी, वो चाहे भारती जीते या ठाकुर, मेरे को दोनों की जीत प्यारी। क्या बकवास कर रहे, उनकी जीत प्यारी? प्यारी व्यारी को कोई नहीं है, मेरा तो बस चले सालों को जहर का इंजेक्शन देके मार दूं। वो तो काफिया नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने लाइन डाल दी। काफिया वाफिया बंद कर, फिनाले है, कुछ तो सुना कुछ। डियर सेलिब्रिटीज और जजेस, नहीं आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, आपको भी तो सेलिब्रिटी कहते हैं जब अकेले होते हो। थैंक यू कपिल। ऑडियंस रेडी टू एंजॉय? जोरदार तालियां। सर्कस का फाइनल है आज कि दिल मेरा गाय, ओ सुन ले हसीना ओ डोल वाली, सुन ले हसीना ओ डोल वाली। अर्चना जी आपको हसीना कहा, गुस्सा तो नहीं किया? ओ सुन ले हसीना ओ डोल वाली, बोलूंगा आज सारे रात के दिल मेरा। ओए कॉमेडी सर्कस का है आज के दिल मेरा गाय। वेरी गुड। अच्छा चल यार, हमारा आज ग्रैंड फिनाले है, कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में भी कुछ बोल। किसके बारे में? चल राजीव और काम्या के बारे में बोल दे। अच्छा राजीव और काम्या के बारे में क्या कहूँ, सेक्सी जोड़ी है। टांगे दिखाती छोटे नेकर में, हाय नेकर में, टांगे दिखाती छोटे नेकर में, हाय नेकर में, हो नंबर दिसते इसको शेखर में, हाय शेखर में, हो सोता ना ठाकुर रात फिकर में, हाय फिकर में, कैसे बचेगी आज, कैसे 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 बचेगी आज लाज के दिल मेरा। अरे अपने भारती और अभिषेक के बारे में भी कुछ बोल दो। भारती अभिषेक के बारे में क्या कहूँ, भारती तो इतना नाश्ता करके आती है कि लोग ब्रेड बटर खाते हैं, ये दो ब्रेड में पूरा हाथी लगा के खा जाती है। अर्ज किया है भारती के लिए चार लाइनें। ओ ये दोनों भी हैं आज रेस में, हाय
रेस में हो चाइनीज स्मॉल इंडियन भेस में हाय भेस में हो क्या रखा है अभी शेक में हाय शेक में जीतेगा 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 भी जीतेगा कुंदन लाल जीतेगा जीतेगा कि क्या कर रहा तू बकवास कर रहा यार कवाली है कवाली का अच्छा अच्छा ओए अभी शेक के बारे में अर्ज किया है जीतेगा कैसे फाइनल आज दिल मेरा और कोई रह गया अरे तेरे अंकल कौन ये तेरे अंकल तेरे को कहते पता चला मेरे अंकल है हरकतों से पता चल गया होगा सोनू जी ये सुरिंदर जो है तबला बजाता है खाली बहाने बनाता है इतना खाता है कि बड़े वाले तबले में बटर नान छोटे में दाल मखनी लेके आता है अभी मेरे को कह रहा था पाजी मेरे को छोटी तबली और लेनी मैंने कहा क्यों कहता पाजी बिना अचार के मजा नहीं आता ओ तबला बजाने आया स्टेज पे हाय स्टेज पे होए ध्यान इसका है खाने की मेज पे होए मेज पे हो शर्म ना आए इस एज पे हाय एज पे जाने ये जाने ये जाने कब आएगा जेबाज दिल मेरा हाय ओ सर्कस का फाइनल है आज के दिल मेरा हाय ओ हुन्ना हसीना ओ डोना वाली फुले हसीना ओ डोना वाली बोलूंगा आज सारे रात के दिल मेरा हाय सर्कस का फाइनल है आज के दिल मेरा हाय थैंक यू Thank you very much to all of you. Thank you. सोनू जी से अरे मुझे तो एक तो ये गाते इतना अच्छा है कपिल आधा तो ध्यान मुझे हटाना पड़ता है आपकी गायकी से कि ह्यूमर तो पकड़ूं एक तो म्यूजिक म्यूजिशियन होने के नाते लगता है कि जब कोई अच्छा गाता है तो सारा ध्यान उसमें लगता है क्या हरकत कितना अच्छा लिया कितना सुर में गाया सो पहली बार तो बहुत बढ़िया गाते हैं आप थैंक यू सर और ऊपर से आपका टाइमिंग आपका एक्सेंट आप दोनों की केमिस्ट्री आपस में वंडरफुल फैंटास्टिक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैंने जो देखा है स्टेज पर वो आप दोनों की केमिस्ट्री है बहुत अच्छा थैंक यू सर समझ नहीं आता कि वावा यू नो सिंगिंग पे करें या कॉमेडी पे करें आई थिंक ही इज फिनोमिनल और दोनों की केमिस्ट्री थी कमाल की है कि ऐसा इच्छा होती कि यू नो यहाँ पे खड़े होकर एकदम ताली बजाना शुरू करूँ फिनोमिनल आई थिंक द बेस्ट एक बार फिर लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां कपिल और मुक्ति के लिए थैंक यू गाइस अर्चना पता है आपको देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मैं टांगे नहीं सिर्फ दांत दिखाऊं और पैसे भी ज्यादा कमाऊं क्या कहते हैं लेकिन चाहने के लिए तो अभिषेक भी चाहता था झलक दिखला जा में उसे कोरियोग्राफर माधुरी दीक्षित मिले लेकिन मिला कौन चलिए देखते हैं प्लीज वेलकम आवर सेकंड फाइनलिस्ट अभिषेक एज हिमसेल्फ एंड भारती एज कोरियोग्राफर गिव देम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन कभी किसी से प्यार किया क्या कभी किसी को दिल दिया क्या कभी डांस किया साला तुम लोगों ने वो भी कर लिया मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही प्रैक्टिस कर रहा हूं पर एक बात बताओ तुम लोग क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो भाई मेरा तो बनता है मुझे झलक दिखला जा मुझे एंट्री जो मिल गई है और तुम्हें पता है मेरी कोरियोग्राफर पार्टनर कौन है माधुरी दीक्षित यस एक काम करते हम सब एक साथ उनका स्वागत करते कम ऑन मोहिनी मोहिनी नमस्कार कैसे है? क्या ये डांस का स्टेज है कौन हो ये क्या कर रहे हो यहाँ अरे बाबा महीने में तो इधर डांस ही किया ना साला हलकट इतनी सेक्सी लड़की का डांस मिस कर दिया चल दोबारा से दिखाती डांस अरे हंस की
मेरा भार कोई कर ले मुझको प्यार। सुमो से तेरी फिगर डरता है मेरा जिगर, क्या चाइना से आई है तू? निकल ले अब पहले माधुरी के आने से हो ना जाए कोई बवाल। इस बार आजा कर ले मुझसे प्यार। ए क्या कौन पार्टनर तू और मेरी? तू है कौन? Myself हल्की। मतलब मेरी पार्टनर माधुरी दीक्षित नहीं है एंड तू मुझे डांस सिखाएगी? हाँ मैं डांस सिखाएगी। तू मेरे को ऐसी वैसी ना समझ, मैं भांडुप के म्युनिसिपैलिटी स्कूल में 3 बार लेजियम का कंपटीशन जीती है। अभी बताती हूँ मैं तेरे को। एक गणपत बजा दे जरा। कैसा लगा मेरा ये वाला डांस? ए, लीजियम चैंपियनशिप जीतने से कोई कोरियोग्राफर नहीं बन जाता? बाबा रे बाबा, मैं लीजियम के साथ दुर्गा पूजा में इतना मस्त डांस किया, इतना मस्त डांस किया कि उन्होंने गलती से मेरा ही विसर्जन कर दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं भी बड़ी शानी नाक बंद करके पानी में तैरती रही अपने नाम की तरह हल्की। चलो अच्छा बच तो गई। काय को बची, इतना बड़ा मगरमच्छ मेरे सामने आ गया, हल्की भी नहीं डरी, उसका गर्दन झट से दबोच लिया। बेचारा मगरमच्छ रोने लगा, दीदी मेरे को जाने दो। मैंने कहा हल्कट, ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने नहीं चलेंगे। अरे यार ये क्या कुछ भी बोलती है, किसने डाला इसको शो पे? बाबा रे बाबा, जब कृष्णा को इस शो में डाल सकते है तो शेखू जी मेरे को क्यों नहीं? कृष्णा डांस के साथ ठरकी भी बहुत है। क्या बात कर रही हो? मेरे को बैकस्टेज मिला, मैं कहता मैडम तू कितनी खूबसूरत, बस चेहरे पे ध्यान दिया कर, चेहरे से मार खाती है। फिर क्या, वो भी चेहरे पे मार खाया। उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, अब तो मैं उसको हरा के रहूंगा। जी करदा ओए जी करदा कृष्णा को हरावा, जी करदा ओए जी करदा कृष्णा को हरावा, जी करदा इक बारी ओ इक बारी। तू नच मैनू सिखा मोटिए, ओ बल्ले बल्ले तू नच मैनू सिखा थोड़िए। मेरे से डांस सीखेगा? कैटा डांस सीखना तेरे को थोड़ा लचक वाला? नहीं मेरे को ना कोई सेक्सी सा डांस सिखाओ। बाबा रे बाबा, राहुल गणपत क्या मेरे को देख रहा है? बस ज्यादा फिर लचक वाला डांस। अरे वाह मैडम, आप तो मतलब कमाल का डांस सिखाती हैं, मजा आ जाएगा अब तो। मैं भी तेरे को डांस सिखाती है, ठीक है? डांस करने से पहले बॉडी को फ्री रखने का, ए सुरवीन बॉडी को फ्री रखने का ये मतलब नहीं कि तू फिर शेखू के बॉडी फ्री रखे। बाबा रे बाबा, शेखर के नाम से मेरे को याद आया, मैं तो तेरे को इधर एक जरूरी बात बताने आई थी। अच्छा अच्छा, झलक वालों ने मेरा एडवांस का चेक भेजा कल? नहीं, झलक वालों ने तेरे को निकाल दिया है। क्यों? और शेखू को रख लिया है। क्यों? क्योंकि उनको तेरा जैसा लड़का नहीं मांगता था, उनको कोई यंग लड़का मांगता था, मेरे शेखू जैसा। और मैं शेखू की डांस पार्टनर। ए शेखू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मेरे शेखू का बर्थडे है, तालियां बजाओ। और डांस पार्टनर मैं शेखू की झलक में। मैं जा रहा हूँ। किधर?
सुरिंदर के मटके पर सर दे मारूंगा, वहां जान दे दूंगा अपनी। अरे जान देने से पहले मेरा तो शेखू का डांस में जलवा तो देख ले। ओके एज योर विश। इधर आके डांस करोगे कि इतनी पब्लिक के सामने फिर से बेइज्जती करवाओगे मेरी? ए अर्चना ऐसे मत हंस, शेखू को भेज इधर डांस के लिए। कॉमेडी सर्कस का विजेता, इसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन एक शख्स को तो इतना इंतजार था कि वो एडवांस में बधाई देने आ गया। आई डोंट नो काम्या उसको कैसे हैंडल करने वाली है। प्लीज वेलकम राजीव एंड काम्या, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब इतनी तो जवानी चढ़ी हुई है, ज्यादा चढ़ेगी तो वहां आग नहीं लग जाएगी? हाय हाय कॉमेडी सर्कस का फाइनल, इसे तो मैं ही जीतूंगी। ऐसे ऐसे पंच दिखाऊंगी, देखना है। ये देखो पंच, ये देखो पंच। अरे पंच ही दिखाती रहूंगी, पंच मारना भी पड़ेगा। राजीव कहाँ है? ठाकुर सज रही गोरी तेरी अम्मा सुनहरी गोटे, सज रही गोरी तेरी अम्मा सुनहरी गोटे, सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में। सबसे पहले मैं बधाई दूंगी कॉमेडी सर्कस में अर्चना पूरन सिंह के डोलों को, क्योंकि इसकी वजह से कई गरीबों के घर चले हैं। हाय हाय शेखर, तेरी जुबानी, सॉरी तेरी जवानी को, तेरी जवानी से तो हमारी जवानी चल रही है। सजे रही गोरी मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, सजे रही गोरी मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में। सबसे पहले तो हाँ सज रही मेरी अम्मा नहीं तेरी अम्मा होता है। हाय हाय सामने सज के मेरी अम्मा बैठी है, मैं तेरी अम्मा कैसे बोल दूं? हाय हाय अर्चना मैडम कैसी है तू? बढ़िया। अभी ये लोग आ रहे थे ना तो मैंने पूछा अंदर कॉमेडी देखने आए हो, कहते नहीं देखने आए हैं, अर्चना अपने दम पे हंसी है, इसने जनरेटर लगवाया हुआ। हाय हाय और हंसी देख के बोले, इतनी एनर्जी है इसकी हंसी में, तीन चार गांव को तो वैसे बिजली सप्लाई कर दे। अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, मेरे पार्टनर ठाकुर को भेजो। हाँ इसके बाद ही तो मैं दुश्मनों से लड़ पाऊंगी। हाय हाय देख लो, एक शोले का ठाकुर और एक इसका ठाकुर, दोनों लड़ते टांगों से ही है, वो बात अलग है, उसकी अपनी थी, ये तेरी टांगों से लड़ता है। हाय हाय सुनिए आप जाइए। हेलो बधाई लिए बिना कैसे जा सकती हूँ जब आ ही गई हूँ तो? अरे किस बात की बधाई, यहाँ कौन सा लड़का पैदा हुआ है? लो जी अब ये भी जिम्मेदारी हमारी है। हम तो सवाल नहीं पैदा कर सकते, बच्चा कहाँ से पैदा करेंगे? क्यों ऐसे मांगते रहते हो, इतने हट्टे गट्टे हो, जाके कोई ढंग का काम करो ना। हाय हाय मैंने किया था, मैं जाके ट्रैफिक पुलिस में लग गई। अब हमें तो शेखर जी एक ही आता है एक्शन। आए हाय मैंने ये किया, दो बसें आपस में टक्कर मार के बैठ गई, उसमें से एक बस शादी वाली थी, दूल्हा बेचारा सुहागरात के सपने ले रहा, पता नहीं क्या टूट गया बस का, आज तक दूल्हा बेबस है। वैसे मैंने बैंक में नौकरी की थी, आए हाय जैसे कोई पैसे जमा कराने आया ना, मैं कहा मैं ऐसे पैसे नहीं लेती, मुंह में रखो मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। ओए होए पैसे जमा कराने आया, ऐसा नाची हूँ, ऐसा नाची हूँ, पैसे जमा कराने आया था, लोन लेके गया बैंक से। बाहर भी जाए तुम्हारा काम, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से जाओ, आज मेरा फाइनल्स है। फाइनल्स है? अभी तक चल रहा है? सुरिंदर बाहर मिला था मुझे, मुझे कहता भाजी मैं जीत गया भाजी, अंदर 10,000 लोग आए, उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ ले लिया भाजी, तीन लोगों ने, एक मेरी धर्मपत्नी, दो मेरे बच्चे। मेरी धर्मपत्नी ने पता नहीं कहाँ पे ऑटोग्राफ ले लिया भाजी, मेरे बैंक में 25 रुपए रह गए भाजी।
अरे सुरेंद्र कैसे जीत गया, फाइनल्स अभी चल रहा है और मुझे ही जीतना है। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुझे शेखर पे है। ओ नहीं नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है, पूरे 3 घंटे लगे हैं वैक्सिंग करने। हाय हाय, यहाँ लोग हंसा के जीतने आते हैं, ये फंसा के जीतने आती है। माफ करना शेखर जी, 4 दीवारी की बातें बाहर आ गई हैं। नहीं पर्सनल मत लो, मतलब शो हमारा बाहर आ गया। कितना बोल चुकी तुम, अब जाओ यहाँ से। और बधाई तो ले लो। बधाई चाहिए इसको। हाँ। बधाई, एक काम करो, वो सुरेंद्र वहां बैठा है उससे बधाई लो और वहीं से बाहर चली जाओ। हाय हाय, इससे क्या बधाई लेनी, ये तो हमसे बधाई ले लेता है। हमारी तो फिर भी खैर है, ये तो मुर्गियों को नहीं छोड़ता, उन्हें जाके कहता हाय हाय भाभी आपके घर में अंडा हुआ, बधाई दे दो। 1.5 घंटा तबला बजा के 3 अंडे ले आता है। अगर तबला नहीं मिलता ना तो तार से उनके कपड़े उतार के ले आता है, कहता है कपड़े तब मिलेंगे जब अंडा दे के जाओगे। सुरेंद्र से बधाई नहीं मिलेगी तो कोई भी बधाई नहीं देगा। नहीं नहीं, सुरवीन देगी ना। आए हाय, अरे उससे किस बात की बधाई, अभी बताती हूँ। उन्हें ते खैर मंगा सुरवीन, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मांग दी। नित खैर मंगा सुरवीन, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मांग दी। हम सब ने शेखर जी फाइनल में पहुंचने के लिए कितनी जीभ घसाई है, ये इकलौती आर्टिस्ट डायरेक्ट फाइनल में आई है। टांगे दिखाती रह गई अनीता, ओए कप तूने जीता। ओ नित खैर मंगा सुरवीन, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मांग दी। नित खैर मंगा है। शेखर जी से हाय हाय। हम ऐसा काम करेंगे जिन्हें मिलेगा काम के साथ पैसा भी। अरे अब तो झलक दिखला जा में वो नाचेंगे भी। हाय हाय। शेखर जी अब आपको पता चलेगा कि मेहनत की कमाई किसे कहते हैं, और जब स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी तो बॉडी में सेंसेशन किसे कहते हैं। और नित खैर मंगा शेखरा, मैं तेरी दुआ ना कोई और मांग दी। हाय अम्मा। अरे अपनी माँ से तो बधाई ले लो। हाय हाय, जब इनके घर में छोटा बेटा हुआ था ना, क्या नाम था जी उनका, आयुष्मान। हाय हाय, मैं इनके घर में नाचने गई, मेरे साथ इतना नाची है, इतना नाची है। मैंने कहा बधाई दो, कहती तेरे से ज्यादा तो मैं नाची हूँ, तू बधाई दे। 501 रुपया दे के मैं छूटी हूँ। पर एक बात बताऊ, माँ हो तो तेरे जैसी, जिस हालत में तू नाची है ना, तू ही नाच सकती थी। ओए नित खैर मंगा अर्चना, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मांग दी। अरे 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 अरे, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे दो अनमोल रतन बैठे हैं, इनसे तो बधाई ले लो। हाय 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 हाय, सर बधाई दे दो, पैसे तो आपने देने नहीं है। लेकिन सिंदूरा हो या तपस्या, इनको असली नाम से दुनिया में पहचान कराई, वरना कामिया को कौन जानता था। ये असली नाम से पहचान कराई, सर पैसे आप दो ना दो, यही है हमारी असली कमाई। ओ नित खैर मंगा सरकस, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मांग दी। नित खैर मंगा सरकस, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मांग दी। Rajiv, Kamya, thank you so much. You guys were fantastic. Thank you guys. Grand finale, minute by minute, grand होता जा रहा है. और अब मैं अपना वो promise पूरा करूंगी जो मैंने शो की opening में किया था. अब हमारे superstar देंगे एक musical performance. और जब बात हो music की, तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है जो आज हमारे साथ भी है. जोरदार तालियां सोनू निगम के लिए, ladies and gentlemen. जितने भी लोगों की मैं नकल उतारूंगा। कॉमेडी सर्कस का ग्रैंड फिनाले अपने आखिरी चरण पर पहुंच रहा है, और इस शानदार शाम को आगाज देने आ रहे हैं दो ऐसे कलाकार जिनमें से एक ने लिखे हैं कॉमेडी के कई इतिहास, खुद रह चुके हैं कॉमेडी सर्कस के विजेता, आपके लाडले कृष्णा। दूसरे हैं वो जिन्होंने बहुत कम वक्त में इस मंच पर बना ली है अपनी एक बहुत ही खास जगह। दोस्ती का पैगाम लेकर आ रहे हैं कृष्णा एंड मनीष पॉल, गिव इट अप फॉर देम गाइस। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं जानता हूं कि आप आज सुदेश जी को बहुत मिस कर रहे हैं। सुदेश जी बहुत बकवास करते रहते हैं वैसे टीवी पे। मैं थप्पड़ मारने
तेरी माँ का साकी नाका। सुदेश जी, बातों के भले ही कैसे भी हो, लेकिन दिल के बहुत ही कमीने इंसान है। खैर, सुदेश जी से बात कर लूं मैं, कहाँ है सुदेश जी? हेलो, हाय सुदेश जी, अरे कैसे, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। अरे यार, कम ऑन यार, दोस्ती में ऐसा, मैं स्टार बन गया हूँ तो ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, अरे 2000 रुपये के लिए यार दोस्ती, कम ऑन यार, 2000 रुपये कुछ नहीं होते यार, मैं दोस्ती को ज़्यादा मायने देता हूँ। अरे कम ऑन यार, कब दे रहे हो 2000, ज़रा ज़रूरत थी यार। हेलो शेखर जी, देखो आदमी ने 2000 रुपये के लिए फ़ोन काट दिया। शेखर जी, ऐसी होती है क्या दोस्ती? 2000 रुपये? शेखर जी, दो ना ज़रा ज़रूरत थी। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो आप? मैं आपसे उधार थोड़ी मांग रहा हूँ, जो दिए थे वो मांग रहा हूँ। दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। हट! अरे दोस्ती उसी नाम की कोई चीज नहीं होती। अबे कैसी बातें कर रहा है, अबे सही की दुनिया में दोस्ती की कोई चीज हो ना हो, नहीं होती। फिल्मी दुनिया की दोस्ती तुझे, देख मैं बताता हूँ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी शेखर जी ने कहा था डबल मीनिंग बातें मत करना। सॉरी, नहीं मैं कह रहा था एक्चुअली, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। अच्छा वो वाला, ए बस्कर कैसा दोस्त है ये, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। क्यों? साला अंधा हो के लंगड़े की आइटम पे नजर मार रहा है। भाई तू गलत समझ रहा है। अच्छा देख मैं तेरे को बताऊं असल में क्या है, और बहुत सी फिल्में हैं जिसमें दोस्ती थी। संगम, ओए होए होए, राज कपूर और राजेंद्र कुमार। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। अरे चुप कर यार, चुप कर यार, इसी फिल्म से वो ट्रेंड शुरू हुआ था। कौन सा? कि खाओ पियो फिर दोस्त के नाम पे बिल फाड़ दो। अबे ऐसा कुछ नहीं है, देख दोस्त थे वो लोग। अच्छा, राजेंद्र कुमार ने राज कपूर के लैंड में आके गोली खा ली थी, ये होता है। सागर भाई, बेटा जब ऐसे ऐसे एक्टिंग करेंगे ना तो गोली ही खाएंगे। अरे एक बात बताऊं, वैसे राज कपूर जी जो थे उस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो गोली तो राजेंद्र कुमार जी खाएंगे ना। ये भी बात है, क्यों सुरेंद्र? एक पिक्चर आई थी, अरे यार अंजलि, कुछ कुछ होता है, अरे यार हम एक ही बार दिल देते हैं, एक ही बार प्यार करते हैं। अरे खाए की दोस्ती थी वो। क्यों बे? रानी मुखर्जी के टपक जाने के बाद काजोल से शादी कर ली थी कि नहीं? अबे यार तू गलत समझ रहा है उसमें, अरे यार शाहरुख की कोई गलती नहीं थी यार, वो तो बच्चे के चक्कर में हुआ है। बेटा बच्चे के चक्कर में नहीं, चक्कर के बाद बच्चे होते हैं। वैसे तू बता कैसी दोस्तियां होती हैं जमाने में, आजकल के जमाने में? तो नहीं, देख देख मेरे अंदर के अरमान जाग देंगे पब्लिक के सामने। तुम पास आए, मादला डला बिगड़ गया, 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 जल्दी आ, मादला डला बिगड़ गया। हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे? वैसे आजकल जहां देखो हुस्न के 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं, बेबो, शिल्पा और बिपाशा। ये तो हुआ बड़े पर्दे का हुस्न, पर हुस्न की कमी हमारे छोटे पर्दे पर भी नहीं है, और इस छोटे घरेलू पर्दे का हुस्न दिखाने आ रही हैं 3 बहुरानियां। प्लीज वेलकम तपस्या, प्रतिज्ञा एंड रागिनी। शाम खत्म होगी, लेकिन हंसी का शो हमेशा चलता रहेगा।
और अब कॉमेडी सर्कस छूने वाला है एक और बुलंदी। जादू के बाद अब होंगे जानलेवा करतब, हैरत अंगेज कारनामे कॉमेडी सर्कस का सर्कस में। और उन कारनामों की हल्की सी झलक हम आपको दिखाने ले जाएंगे सर्कस में, तो चले सर्कस देखें। माइंड ब्लोइंग, क्या किया तुम लोगों ने? बड़े मुझ तुम्हारा थैंक यू की बच्ची, मैं कह रही हूँ क्या किया तुम लोगों ने? बड़े तुम लोगों का सर्कस तो अच्छा था, लेकिन इसमें कॉमेडी कहाँ है? देखो उदास होगी, लेकिन आप लोग घबराइए मत, इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं कॉमेडी के साथ असली सर्कस। अगले शुक्रवार और शनिवार से रात 9 बजे जुबली कॉमेडी सर्कस, सर्कस लो और हंस लो। और अब नो मोर वेट, वी आर ऑल सेट। अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू का विनर पाने के लिए और ग्रैंड फिनाले के ग्रैंड डिसीजन के लिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार आखिरी बार जोरदार तारियां हमारी तीनों फाइनलिस्ट जोड़ियों के लिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, टू गिव अवे द ट्रॉफीज आई'd लाइक टू कॉल अपॉन The producers, Comedy Circus, Vipul Disha, Sanjeev Sharma, Sonu Nigam, Sonu Sood, Archana and Shekhar, our jury members, on stage. Please give them a big round of applause, ladies and gentlemen. अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको, आप सबको भी बेसब्री से इंतजार था। Jury scores और audience के scores मिलाकर जो रिजल्ट्स बनते हैं वो इस वक्त मेरे हाथ में हैं। हमारी आज की सेकंड रनर अप जोड़ी कॉमेडी सर्कस का जादू की सेकंड रनर अप जोड़ी है राजीव एंड काम्या। कैन वी हैव विपुल एंड संजीव टू प्लीज गिव अवे द ट्रॉफीज टू आवर सेकंड रनर्स अप प्लीज। और अब बारी है कॉमेडी सर्कस का जादू के जादूकर का नाम लेने की। तो हमारे आज के विनर्स हैं